गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 13 भारत 18वीं शताब्दी शुरू करेंगे। इसमें हमने अवध तक पढ़ लिया था, अब हमें बंगाल का पढ़ना है। बंगाल पहले स्वतंत्र प्रांत था। बंगाल क्या था? पहले एक स्वतंत्र राज्य था। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया। 1700 ईस्वी में क्या हुआ? औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया। उसके बाद बिहार एवं बंगाल की दीवानी उसे ही दे दी गई। उस पहले क्या किया, उसे बंगाल का दीवान बनाया गया, उसके बाद बिहार और बंगाल की दीवानी भी किसे दे दी गई? मुर्शीद कुली खां को। उसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। उसने क्या किया, ढाका की जगह मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बना ली। उसे 1717 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। 1717 ईस्वी में क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। वह कुशल एवं कठोर प्रशासक था। राजस्व प्रणाली का उसने प्रभावपूर्ण ढंग से पुनः व्यवस्थित किया तथा इजारा प्रथा आरंभ की। ये बहुत कठोर प्रशासक था और इसने राजस्व प्रणाली को प्रभावपूर्ण ढंग से पुनः व्यवस्थित किया और इसने क्या शुरू किया, इजारा प्रथा शुरू की, जिसमें क्या करते थे, किसान अपनी ज़मीन देते थे और उसके बदले में ये पैसे लेते थे। मतलब किसान पैसे लेते थे और बाद में क्या होता था, वो पैसे चुकाने के बाद अपनी ज़मीन ले लिया करते थे। राजस्व वसूली का कार्य इस व्यवस्था के अंतर्गत ठेके पर दिया जाता था। जो राजस्व वसूली यानी जो राज्य का कर होता था, वो कौन दे, वो कैसे वसूला जाता था, ठेकेदारों के माध्यम से। बाद में ये ही ठेकेदार जमींदारों में बदल गए और बहुत से जमींदारों को राजा और महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया गया। बाद में क्या हुआ, ये ठेकेदार जमींदार बन गए और जमींदार फिर बाद में राजा और महाराजा की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं। इस प्रकार बंगाल में भूमिहर सामंतों का एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया। मुर्शीद कुली खां के प्रयत्नों से व्यापार उद्योग तथा कृषि को भी प्रोत्साहन मिला और बंगाल में समृद्धि आ गई। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ, मुर्शीद कुली खां ने अच्छा कार्य तो किया, व्यापार उद्योग कृषि सबको सब अच्छा हो गया, पर फिर बाद में क्या हुआ, बस वही है कि वो थोड़ा कर वगैरह लेते थे। बाद में उनकी मृत्यु हो गई 1727 ईस्वी में। शोजुद्दीन खां जो मुर्शीद कुली खां का क्या था, दामाद था, उसका उत्तराधिकारी बना। जब मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हुई तो शोजुद्दीन खां उनके उत्तर अधिकारी बन गए, यानी वो उसके गद्दी पे बैठ गए। तब वह एक दयालु शासक था, उसने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। जो शोजुद्दीन खां था वो एक दयालु शासक था और उसने क्या किया, प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए। सरफराज खान शोजुद्दीन खां का उत्तराधिकारी बना। जो सरफराज खान था वो शोजुद्दीन खां का क्या बना, उत्तराधिकारी बना, यानी कि अब उसके बाद सरफराज खान को गद्दी मिलने वाली थी। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने उसे परास्त कर दिया। 1740 में क्या हुआ, अलीवर्दी खान ने उसे हरा दिया और उसकी हत्या कर दी और बंगाल की गद्दी पर उसने अधिकार कर लिया। किसने, अलीवर्दी खान ने। शाहुद्दीन खां का पौत्र सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में पराजित हुआ। जो शाहुद्दीन खां का पोता था वो हार गया प्लासी का युद्ध, और 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में विजयी होने पर बंगाल में अंग्रेजों का दबदबा हो गया। और जब वो अंग्रेज लोग प्लासी का युद्ध जीत गए तो क्या हुआ, फिर बंगाल में किसका शासन चलने लगा, अंग्रेजों का। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर अब ख़त्म हो गया है। आपको इसकी परिभाषिक शब्दावली अपनी कॉपी में करनी है और ये महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं इसे आपको ज़रूर पढ़ना है। आपको ये जो एक्सरसाइज वर्क है अपनी बुक में फाइंड आउट करनी है और करनी है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग। में आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।